दो एक नंबर है हमारे पास कोई, जैसे मान लो हमारे पास नंबर है एक्स, हाँ इसका अपन क्या करें, सबसे पहले निकालते हैं इसका जो है 70%, और इसी नंबर का अपन ने क्या निकाला, इसी नंबर का अपन ने 57%। अच्छा फिर कह रहे हैं सेम नंबर जो है डिफरेंस, तो इनका अगर डिफरेंस करते हैं तो ये मेरे पास कितना आता है, ये आता है 338। यही ना, अब पहले इसको सोल्व करना, फिर आगे कुछ और पूछ रहे हो, उस नंबर का फिर हमें क्या निकालना है, 51% निकालना है। तो पहले इसको लिखे x इंटू 70/100 माइनस x इंटू 57/100 बराबर 338। एलसीएम क्या आ गया इसका, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो अबे ये हो गया 70x माइनस 57x और ये आ गया 33800। मैंने क्या किया, एडिट से मल्टीप्लाई किया, इसको करेंगे घट जाएगा, इसको करेंगे घट जाएगा और यहाँ इनटू आ जाएगा। अच्छा अब ये माइनस करेंगे कितना आएगा, सही आएगा 13x बराबर जो है 33800। एक्स बराबर क्या आ गया 33800 अपॉन 13। अच्छा क्या करेंगे अब इसको 33800 को 13 से क्या करेंगे डिवाइड, कितनी बार जाएगा 2 times 27 7 8 कितनी बार गया 6 times पूरा गया 2600, ये दो जीरो बच गए, तो ये पूरा कट गया हमारा एक्स बराबर 2600। अब खत्म नहीं हुआ सवाल, अभी इसका इसका निकालना है, कितना निकालना है 51%, तो जो है 2600 का 51% निकालेंगे, तो ये दो जीरो कट गए। अब देखो 26 और 51 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये 6 ये 10 ये 30 रहे और ये 232, तो क्या है मेरे पास में 6 2 और ये 13, इसमें ये नॉन ऑफ दीज, तो इसमें हाँ 46% ऑफ ए नंबर इज 1426, व्हाट इज द नंबर, तो अगर एक नंबर का क्या करना है हमें 46% निकालना है और वो मेरे पास कितना आ रहा है 1426। हाँ ये क्या, तो देखो a into 46 upon 100 बराबर 1426, x बराबर क्या बना 1426 into और ये आएगा, अब ये आपका इससे पूरा घटेगा ऑप्शन के हिसाब से, देखिए तो पॉइंट में नहीं है ना, देखो आप कैसे घटेगा, अरे देखो आप 46 को अब सुनो इधर, अपन ने मल्टीप्लाई करना है, आंसर अपने पास 1426 बनना चाहिए, सुनना तो इसको किससे करें 6 को, कि यहां पर पहले तो 6 आ जाए, 6 कैसे करेंगे ना, तो चलो 6 कर लेते हैं, देखो ये 6 ये 3 कैरी 24 20, हाँ 7। अच्छा अब यहाँ पर 2 बढ़ना चाहिए, दो तो सर 5 कैसे करेंगे सर, यहाँ पे यहाँ 5 बढ़ेगा, यहाँ 5 यहाँ कैसे बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, 5 कभी नहीं बढ़ेगा, यहाँ 2 बढ़ेगा 5, क्योंकि 6 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो नहीं बनेगा, 3 होता तो होता है, इसका मतलब क्या है, फिर अपना ये कट रहा है कहीं ना कहीं, तो पहले इसको काटेंगे ये, ठीक है ना, तो ये बनेगा 23 का और ये बनेगा अपने पास कितना 50, हाँ अब कटेगा 23 से पूरा कट जाएगा, हाँ अब इसको 23 से करो, अब ये पूरा कटेगा, देखो इधर क्योंकि प्राइम नंबर है ना, तो और ऑप्शन को देखेंगे तो ये लग रहा है कि भाई ये कटना चाहिए, तो देखो ये मैंने 2 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा और मुझे 6 चाहिए पहले, तो किसे करूंगा 2 से करेंगे, ये हो गया 6 ये हो गया 4। अच्छा अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो यहाँ 8 आना चाहिए ना, 8 आना चाहिए ना, अब 8 कब आएगा, 6 इसको किसे करेंगे, 6 से करेंगे। अच्छा ये क्या बना फिर मेरे पास में 18 अच्छा क्या गया 1 12 13। अच्छा क्या बना है फिर ये कितना गया 4 और 1 वही गया ना, वो तो बताओ कितने बार कट गया 62, हाँ ऐसे ये आ गया 62, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा 0 आ गया, ये 10 ये 30 और 31 सही है, ये ऑप्शन में सर मैं बताऊं कि टोटल पेपर
अगर 100 नंबर का है, 8 नंबर से फेल, ठीक है ना, तो वो फेल कितने नंबर से हो गया? 8 नंबर से फेल हो गया, 8 नंबर से फेल हो गया। अच्छा, पास होने के लिए चेन कितने चेन है? 430 ये चेन है मेरे पास में, 430 नंबर चेन है। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? अच्छा, वो नंबर कितने लेके आया? वो लेके आया 344। तो कितने नंबर से फेल हुआ भाई? सर वो सर ये 6 ये 12 और 8 तो कितने नंबर से फेल हो गया वो? 86। और ये 100 नंबर होते तो 8 से फेल होता, और अगर टोटल नंबर कितने भी हो तो कम से कम वो 86 नंबर से क्या हुआ? फेल। फेल हुआ नहीं रहा। टोटल नंबर निकालने हैं यही भाई, 100 नंबर का पेपर होता है तो वो 8 नंबर से फेल होता है। तो इतने नंबर से फेल हुआ, इतने से फेल, क्योंकि इतने नंबर पास होने के लिए चाहिए, कितने आए थे उसके, तो 86 अगर हो रहा था तो पास हो जाता है, तो 86 उसकी कम आया ना, इसलिए इस नंबर से फेल हुआ। तो टोटल नंबर कितने होंगे? वही क्रॉस। तो क्या करें, x बराबर लिखो जी ना, 100 into 86 upon 8 किसे काटे बोलो? 4 से, 2 से काटे, पहले तो ये 2 से काट देते हैं, तो ये बढ़ गया 43 और ये बढ़ गया 4 और 4 से बढ़ गया 25। अब क्या बच गया? 43 और 25 को क्या करेंगे? ये 15, ये 8, ये 20 और 6, ये 20 और 6 26। तो क्या बना? ये 5, ये 7 और ये 10। इसमें ये एकदम सही है, इसमें भी है 9 ऑफ डीज। सर सर हम इसको इससे भी कर सकते हैं सर, मैं बताऊं एक बार सर, जैसे हमने निकाल लिया सर कितने नंबर से फेल हुआ, 86 नंबर से फेल हुआ, तो फिर 8 अपॉन 100 इनटू x बराबर 86 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे सर? 86 से फेल हुआ ना, हां, तो फिर 8 अपॉन 100 क्या कह रहा है बताइए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर टोटल x नंबर का पेपर था तो यानी कि वो क्या हुआ कि 8% से फेल हुआ, 8/100, और इसकी वैल्यू कितनी है? 86। तो वो एक ही बात, ठीक है ना, समझ गए ना कि अगर टोटल आया कितने का था, x नंबर का पेपर था, ठीक है ना, तो उसका 8% निकालेंगे तो वो कितना आएगा हमें, वही चीज हमने की बस, ठीक। इसमें हमने थोड़ा क्रॉस वाला लिख लिया, ये तो समझ में आ जाएगा, उसकी तो मैं समझ में आएगी कौन सा बताया अभी, ये ठीक है, अब ये लिखना ही नहीं आता कहीं को, लिखेंगे आप। अच्छा अगला देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, जो है दो नंबर मान लो अपने पास, एक ए है एक बी है, और इनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो मेरे पास आता है 1, 5 और 7। एंड डियर क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है 97, मतलब क्या हुआ कि अगर इनको डिक्विस्टेंट, अगर इनको डिवाइड करें, ए और बी को डिवाइड करते हैं तो 9 अपॉन क्या आता है? 7 आता है। कि व्हाट द सम ऑफ द नंबर, तो उनका सम कितना होगा, कैसे करेंगे सर? सर ये हाँ, तो आप सुनो, मैं एक चीज फिर रिपीट कर दूं, ये कह रहा है दो नंबर का तो वो एक तो मल्टीप्लाई दे रखे हैं और एक डिवाइड करने पर क्या आएगा वो दे रखा है, आपको पूछा उनका सम कैसे निकालेंगे सर? सर जो ये ए है इसको हम मान लेंगे 9/7 इनटू बी, क्योंकि जो अगर क्वेश्चन है तो एक नंबर से वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दूसरा नंबर आएगा। हाँ, तो यहाँ से इसकी जगह पर ये यू ले सकते हैं क्या, ए बराबर बी ऊपर गया ना, ये कहाँ रख देंगे, एक ही जगह रख दे, तो इस ए की जगह मैं रख रहा हूँ ए पर 9/7 बी इंटू बी बराबर 1575। अच्छा, अब ये 7 कहाँ जाएगा और ये 9 कहाँ जाएगा, नीचे, क्या ये क्या बनेगा, 20 के शाबाश। अच्छा, ये 9 से काटते हैं क्या? हाँ, तो पहले जाएगा एक बार सर, फिर बचा 6, फिर 67 बचेगा, 9 9 9, कितनी बार जाएगा, 7 जा 63, क्या बचेगा यहाँ पर, 4 5 5, कितनी बार, 5 बार कट गया पूरा। अब देखो ये है, एक मल्टीप्लाई करें या वैसे करें बोलो सर, स्क्वायर करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई कर दो, चलो मल्टीप्लाई करते हैं 1754 और 7 से मल्टीप्लाई,
तो ये आ गया 1225 35 का, तो बी बराबर क्या आएगा 35 का स्क्वायर नहीं, इसका मतलब ये नंबर तो क्या हो गया 35 हो गया। दूसरा क्या होगा मैं बताऊं सर, तो, सर उससे ए की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ यहाँ रख देंगे ना, इसमें रख देंगे ना, बी की जगह यहाँ रख देंगे 35 रख देंगे, क्योंकि बी की वैल्यू अरे अच्छा ये इससे कट गया कितनी बार, पांच बार, और क्या गया तो मतलब कितना हो गया, एक तो ये तो है 45 गया, ए तो आ गया 45 और बी कितना आ गया 35, इसमें ये सर 80 प्लस भी तो करना है, हां इनका प्लस करना है, फिर यहां तो इनका प्लस करेंगे क्या आएगा 0 और 80, इसमें है सी ऑप्शन में नहीं गलत हो सकता है। अगला है द वैल्यू ऑफ, अब ये उसी का मतलब है इसका क्या है 56 का और ये ठीक है 81 की भी क्यूब और ये है मल्टीप्लाई है 9 की स्क्वायर और डिवाइड है 81 का और 4 और इनटू और ये 3 ये है ना। हां अब इसमें गलती करेंगे कहीं सही है, ठीक है यही काम करो, आप इसको सिंपलीफाई वैसे करो, अगर आप इसको वैसे करोगे ना पावर यूज है तो गड़बड़ होगी सर हो गया। हाँ और वैसे आपने किया है ना तो ये इजी है, अगर आपने पावर यूज से किया है ना तो ये नीचे जाएगा जो ऊपर ही रहेगा, यह बोर्ड में जाएगा या सीधा अपन लोग क्या करें, इसको अपन क्या ले सकते हैं 3 की पावर 4 पावर यूज करने पहले चलो, तो इसको लिखेंगे 3 की पावर 4 और ये क्यूब इनटू इसको लेंगे 3 की पावर 2 और 2 और ये आ जाएगा या ऐसे 81 यानी 3 की पावर 4 और ये 4 ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया हां 3 9 अरे ये डिवाइड है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के क्या ओरिजिन नहीं आएगा माइनस कर दूंगा वो भी सही, चलो ठीक है माइनस कर देगा ये कह रहा, चलो एक काम करते हैं डिवाइड कर, ये क्या होना 3 की पावर 4 और 4 और 3 ये क्या देखो ये 3 की पावर हो गया 12 अच्छा ये हो गया 3 की पावर 4 अच्छा डिवाइड ये हो गया 3 की पावर 16 और इनटू 3 तो ये मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ मैं कहूँ 3 की पावर 12 प्लस 4 प्लस 1 ये बना नहीं यहाँ पर और डिवाइड ये माइनस कर दोगे फिर -16 क्योंकि डिवाइड में है तो ये बढ़िया 3 की पावर कितना हो गया ये सारा ये 17 17 -16 3 की पावर 1 यानी कि आंसर लो सर इतना जरूरत ही नहीं पड़ी है पावर में। हाँ किसमें ये ए ऑप्शन। हाँ ये कह रहा बाय सेलिंग एंड आर्टिकल, अरे इधर बाय सेलिंग एक आर्टिकल है वो सेल किया गया यानी एसपी और एन आर्टिकल एट 3/4 ऑफ तो मतलब बराबर है 3/4 ऑफ एमपी, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, ये मतलब है ना देखो कि एक आर्टिकल को उस बेचा गया है कितने पर, उसकी जो एमपी है उसके 3/4 पर बेचा गया है, इसका मतलब यहाँ ये मल्टीप्लाई लगा दे गया ये डिवाइड में तो ये डिवाइड में आ गया, अब इसका मतलब क्या है मार्केट प्राइस जो है वो मेरे पास में है 3 रुपए है और सेलिंग प्राइस क्या है मेरे पास में सॉरी 4 रुपए मार्केट 4 रुपए होगी ना और ये 3 रुपए यानी 4 रुपए की चीज थी तो उसको 3 रुपए बेचा गया, डिस्काउंट कितने का है 25 1 रुपए का ये। अच्छा इसने क्या पूछा है रेशियो, अच्छा कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछा है इसने, अच्छा फिर आगे और भी कह रहा है, अच्छा ऐसा करने पर उसको 25% प्रॉफिट हो गया क्या हुआ सर, कॉस्ट प्राइस का था हुआ है कॉस्ट प्राइस का पूछा है, अरे इतना देने बाद आगे देखो इधर आगे इसने और पूछा है
क्या पूछा है? उसने पूछा है कि एक तो इसने प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पर प्रॉफिट है 25% है, तो यहाँ पर सीपी ये एसपी ये 100 रुपीज है, ये 125 हो गया। अच्छा आपके पास कुछ है क्या यहाँ पर? हाँ, क्या है? एसपी। हाँ ये एसपी लेने की गलती है, तो एसपी लिख दो, क्या ये हो गया एक्स भाई। अगर 3 रुपए के हिसाब से देख लेते कितने बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये क्या क्या बना मेरे पास में, यहाँ तक समझ में आएगी बताओ पहले। हाँ। अब ये क्या 25% प्रॉफिट दे रखा है, अब ये तो रेशियो किसका हो गया? एमपी और एसपी का, ठीक है ना। अब डिस्काउंट एक रुपए का डिस्काउंट है, लेकिन यहाँ कितने खरीदा ये थोड़ी बता हमें, ठीक है ना भाई। ये देखें कि इतना उसकी मार्केट प्राइस थी, तो अब हमारे पास कोस्ट प्राइस नहीं है, तो अपने एक काम करते हैं, ये तो पता है भाई सेलिंग प्राइस तो 3 रुपए उसकी, तो यहाँ ये लिखेगा। तो देखो इधर ये क्या बनेगा, एक्स बराबर 100 × 3/125 में सर 125, ये 5 बार ये 4 बार, तो कितना हो गया 12/5 रुपीज, ये क्या। अब रेशियो निकाल लो यहाँ, तो मैं यहाँ पर लू कोस्ट प्राइस रेशियो क्या हो गया 25/5। अपन को किसका रेशियो पूछा है बताओ, एमपी और सीपी का? एमपी ये सीपी का, इन दोनों का पूछा है। हाँ। तो इनका रेशियो है 12/5 और ये 5:3। हाँ इसको कैसे बताएंगे बताओ सर, सबको 5 से मल्टीप्लाई करने पहले ये खत्म करने के लिए, इसको 5 से किया, इसको भी 5 से, ये तो कट गया, ये तो हो गया 12 और ये कितना हो गया 4 × 5 कट गया 3 बार, ये कट गया 1 बार, तो 3:5 किसमें है? बी, बी ऑप्शन। अरे सर मैंने पूरा आगे पढ़ा, एक बार बताओ मार्केट में देखो दोनों दे रही है, पहले मार्केट का अपन ने लिया था, पहले अपन ने पहले कोस्ट प्राइस लिए, हां 5:3, तो ये 5:3 है, ये क्या 3:5 है।